26वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भाग दौड़ तेज। मौलाना का घर मुशावरत का हेड क्वार्टर बन गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी पहुंचे। बिलावल भुट्टो मौलाना की रिहायशगाह से रवाना हुए तो पीटीए वफ भी एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पहुंच गया। मौलाना और पीटीए वफ के दरमियान मुलाकात जारी। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास के औकात बार बार तब्दील होते रहे। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई एक भी इजलास शुरू ना हो सका। काबीना इजलास सुबह होना था, दोपहर तक मुलतवी हुआ, फिर शाम का कहा गया। इसी तरह कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास के औकात भी 3 से 4 बार तब्दील किए गए। और हर कोई समझता है कि आईनी तरमीम अदलिया की इस्लाहात के लिए अहम है लेकिन पीटीआई को किसी अच्छी चीज़ में हिस्सा डालने की तौफीक नहीं। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। लीग रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजल रहमान की सियासी बसीरत को सराहता हूँ कि पीटीआई को सियासी पार्टी का किरदार अदा करने का मौका दिया, लेकिन पीटीआई क़यादत ने वही किया जो ये कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।